नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर 60 वर्षों तक संघर्षरत रहे विश्वविद्यालय अभियान टीम द्वारा नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन कर शनिवार को नगर के सिधारी स्थित एक होटल के सभागार में किया गया, जिसमें महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के प्रथम कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा सहित अतिथिगणों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अभियान टीम द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का शुरुआत की गई। छात्रा आंचल मिश्रा द्वारा कुलपति महोदय को उनका ही स्केच चित्र भेंट किया गया। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में स्वागत से अभिभूत मुख्य अतिथि प्रथम कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय अभियान टीम जिस पूर्ण सोच के साथ शुरू किया गया और काफी संघर्ष के बाद फलीभूत हुआ है और मुझे प्रथम कुलपति बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है उस पद की गरिमा एवं विश्वविद्यालय अभियान टीम की इच्छा के अनुरूप मैं उसे क्रियान्वित करूंगा। मुख्यमंत्री ने भी हाल की मुलाकात में कहा कि यह विश्वविद्यालय मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। सीएम की इच्छा अनुसार तथा आजमगढ़ मऊ जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह विश्वविद्यालय एक अलग इबारत रचेगा। निर्माण कार्य की पाक्षिक समीक्षा की गई। पूरी उम्मीद है कि सन 2023-24 की सत्र कक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर से ही संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। कुलपति ने विश्वास दिलाया कि इसके लिए हमें शिक्षाविद, बुद्धिजीवी वर्ग एवं शिक्षक समाज से जुड़े प्रोफेसर व कर्मचारी गण का सहयोग अपेक्षित है। आपने हमें सम्मानित कर जिम्मेदारियों का जो एहसास दिलाया है उससे हम भलीभांति अवगत हैं। आपकी भावना आहत नहीं होगी। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाए और विश्वविद्यालय दो चरणों में इसका निर्माण होना है, जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रथम चरण में जो निर्माण है वो मार्च 2023 तक संपन्न हो जाएगा और उसके लिए हम लगातार खुद भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और ताकि निगरानी ठीक ठाक रहे और वो लोग ये समझें कि भाई विश्वविद्यालय भी इसमें एक स्टेक होल्डर है और वो इसकी देखभाल कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वविद्यालय का मुखिया होने के नाते मैं पाक्षिक रिव्यू मीटिंग भी करता हूँ निर्माण कार्य की। उसमें हमारे जो PWD संस्था है उसके अधिकारीगण, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर्स और हमारे अधिकारीगण भी उसमें रहते हैं और एक एक बिंदु की हम समीक्षा करते हैं कि इन 15 दिन में कितना कार्य हुआ है, कितना अपेक्षित था, कितनी भौतिक प्रगति हुई है, कितनी वित्तीय प्रगति हुई है, ये हम पूरा उसका निगरानी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये समय से पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ विश्वविद्यालय अभियान के जन जन को, सभी सदस्यों को इस पुण्य कार्य के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए और इस बहुत बड़े कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य कार्य नहीं था जो इन लोगों ने इसको परस्यू करके और सरकार के यहाँ अपनी मांग रखी और सरकार के संज्ञान में लाए और सरकार ने इस पर पॉजिटिव लेकर के यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापना का निर्णय लिया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।